नेपाल सीमा पिछले 11 महीने से बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। वहीं मोतिहारी के संतगंज बॉर्डर प्रभात नेपाल सीमा खोलने की मांग को लेकर स्वतंत्रता सेनानी ज्ञानचंद प्रसाद ने आमरण अनशन शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक ये सीमा नहीं खुलेगी तब तक वे अनशन पर रहेंगे। हम लोग का मांग है कि मानी बॉर्डर नाका खोलने के लिए हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। एक आदमी हम लोग पूरा समाज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि मैंने रास्ता साफ हो, और अभी तक मैंने कोई सुनवाई ऊपर नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोग का भारत से कुछ संबंध है, हम लोग भारत से वंदना का खुला करो। खुला करो, वंदना का खुला करो, जन जन की है ये आवाज, वंदना का खुला करो। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा पिछले 11 महीनों से बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की काफ़ी परेशानी बढ़ गई है। वहीं मोतिहारी के संतगंज बॉर्डर पर भारत नेपाल सीमा खोलने की मांग को लेकर स्वतंत्रता सेनानी ज्ञानचंद प्रसाद ने आमरण अनशन की शुरुआत की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धनंजय जुड़ गए हैं। जी धनंजय, मोतिहारी में अनशन किया गया है, क्या है अपडेट? जी, ये चीन के इशारे पर नेपाल देश के द्वारा ये कोरोना का हवाला देते हुए काफी दिनों से सीमा को बंद रखा गया है, जिसको लेकर भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का जो संबंध है उस संबंध पर खासा असर पड़ रहा है, जिसको लेके यहाँ के स्थानीय प्रबुद्ध लोगों के द्वारा कई एक बार दोनों देशों के अधिकारियों से मिलकर यह गुहार लगाई गई थी कि इस सीमा को खोला जाए, परंतु कोई असर जब नहीं हुआ तब ये लोग धरना प्रदर्शन आमरण धरना पर बैठे हुए हैं। जी धनंजय, अनशनकारियों की क्या कुछ मांग है? अनशनकारियों की मांग है कि भारत नेपाल जो सीमा है और जो सीमा को बंद रखा गया है, इस सीमा को खोला जाए ताकि सुचारू रूप से व्यवस्था हो सके और यहाँ के आवागमन इस देश से उस देश जो बहुत पहले से जो रिश्ता कायम है उस रिश्ता को कायम किया जा सके। परंतु नेपाल की जो सरकार है वो चीन के इशारे पर काम कर रही है, उसी के विरोध में यहाँ के प्रबुद्ध जनों के द्वारा ये आमरण अनशन किया जा रहा है। जी जी धनंजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।